तो आज की क्लास में हम पावर बीआई पे डिस्कस कर रहे हैं, और पावर बीआई में आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि पावर बीआई रिपोर्ट बनाने से पहले क्या किया जा सकता है। तो लास्ट क्लासेस में पावर बीआई की ओवरव्यू के बारे में बताया था, आज हम बात करेंगे पावर बीआई में जब डेटा इंपोर्ट करते हैं उसके बाद क्या क्या करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि पावर बीआई के इंटरफेस क्या होता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं वगैरह वगैरह, आपने उसको प्रिपेयर कर लिया होगा। आप लोगों के पास आईडी नहीं है तो मैं आईडी एक दो दिन में बना देता हूँ। फिलहाल आईडी की जरूरत नहीं है क्योंकि फिलहाल आपको डेस्कटॉप पे ही काम करना है, तो आईडी एक दो दिन में बना के आपको मैं भेज दूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर डेटा मेरे पास कुछ डेटा है, मैं डेटा को इम्पोर्ट नहीं करना चाहता, राइट? जैसे एक्सेल में डेटा हम बनाते हैं ना, ऐसे में पावर बीआई का डेटा बना सकते हैं। जी हाँ, बना सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ। यहाँ होम में आपको दिखेगा एंटर डेटा, क्या दिखेगा? एंटर डेटा। तो यहाँ एक टेबल मिलेगा जहां पे आप डेटा एंट्री कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं पहले कॉलम बनाता हूँ कि नेम, फिर टैब प्रेस किया, यहाँ पे सिटी, फिर टैब प्रेस किया अमाउंट, और यहाँ पे अपना जो डेटा एंट्री करनी है डेटा एंट्री कर दीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि हमने बताया कि पावर बीआई जो लोग यूज करते हैं उनके पास डेटा जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इस तरह से बड़े डेटा का एंट्री करना तो मुश्किल है। तो ये चीज जान लीजिए कि जो यहाँ हम डेटा एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे बड़े डेटा एंट्री थोड़े करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास इसका सेल्स का डेटा आ गया, आपके पास कमीशन के रेट हैं, आप चाहते हैं कमीशन रेट को लुकअप करना या कुछ और करना या कैलकुलेट करना, तो ऐसे केसेस में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना? कि आपके पास कुछ ऐसे लिस्ट है जो कि पड़े हुए हैं, आप चाहते हैं इसके अंदर फीड कर दें एज ए डेटा के अंदर, समझे? तो हम एंटर डेटा का इस्तेमाल। अब यहाँ भी चीज आता है कि चलो आपको टाइपिंग की बात हो, मेरा डेटा कोई काफी बड़ा तो नहीं है, हाँ लेकिन छोटा भी नहीं है, इतना छोटा नहीं कि हम टाइप कर सकते। तो क्या ऐसे केसेस में हम डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? जैसे आपके सामने मेरे पास ये डेटा है तो क्या मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ? हाँ, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ, कि जब आप एंटर डेटा पे लेते हैं तो कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? यहां ऊपर इस पे क्लिक किया, ऊपर जो दिख रहा है इस पे क्लिक करके पेस्ट किया, पर प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि पावर भी कहता है कि आप 3000 से ज्यादा डेटा नहीं ले सकते, 3000 से ज्यादा डेटा एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब एक्सेल में इंपोर्ट तो कर ही अगर सकते हैं, इंपोर्ट की तो बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं कि कई बार हमें डेटा इंपोर्ट करने की हालत नहीं होती है, उसकी बात कर रहा हूं सर, एक्सेप्शन केस में। ऐसे केसेस में आप एक लिमिटेड डेटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट या टेक टाइप कर सकते, जैसे कमीशन रेट है आपकी जो आपके दिमाग में है, इफ कंडीशन में वो नहीं देना चाहते हो बार बार, देखिए यहाँ पे हमने पेस्ट कर, ठीक है? तो 3000 सेल तक आप या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं, कहाँ पे? एंटर डेटा।
एक्सेप्शन कैसे, कभी आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ गई उस समय के लिए मैंने बताया, वैसे नहीं कि डेटा एंट्री करना शुरू कर दो आप, ठीक है? ओके, तो ये चीज हम डालने से, उसके बाद हम आते हैं डेटा कनेक्टिविटी, क्योंकि अगर हम पावर बीआई में किसी भी तरह का विजुलाइजेशन बनाना चाहते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, डेटा की। डेटा इंपोर्ट कर, जैसा कि अभी आपने बताया डेटा इंपोर्ट करने, क्योंकि कोई भी विजुलाइजेशन, कोई भी पिक्चर्स, कोई भी चीजें लेंगे तो मुझे पहले डेटा को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। जब गेट डेटा पे आप जाते हैं तो बहुत सारे लिस्ट मिलते हैं, लिस्ट के नीचे आता है मोर, जब मोर पे क्लिक करते हैं तो ये आता है गेट डेटा का लिस्ट, जिसमें कई कैटेगरीज है, जैसे फाइल, फाइल की कैटेगरीज है, डेटाबेस की कैटेगरी है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, पावर प्लेटफॉर्म, एजुरे, ऑनलाइन सर्विसेज एंड अदर एप्लीकेशंस है। तो इसमें अब ऐसा नहीं कि मैं हर एक ऑप्शन तो आपको करके दिखाऊं, क्योंकि तो एक कंप्यूटर में इतने सारे डेटाबेस की डेटाबेसेस को इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? दूसरी चीज है कि कनेक्शन मोस्टली एक ही जैसा होता है, कोई खास दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर मैंने कुछ चीजें आपको बता दी देन आप कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल पे, फाइल का मतलब हुआ जो कोई माने कि डेटाबेसेस नहीं है, फाइल बनाई किसी ने आपको भेजा है, उसकी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल पे मैंने बताया था कि एक्सेल पे गए, कनेक्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जिस लोकेशन में चाहिए उस लोकेशन में गए, हमने सेलेक्ट किया, देन ओपन, और हमने अपने इसको सेलेक्ट किया सीट को, देन लोड पे क्लिक कर, ठीक है, लोड पे क्लिक किया एंड डेटा लोड। तो एक्सेल से डेटा ला सकते हैं हम, यहाँ आके डेटा देखना है तो टेबल व्यू में जाइए और यहां से अपना डेटा को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहां अगला ऑप्शन आता है फाइल में ही, टेक्स्ट एनसीएसवी। कई बार हमें फाइल जो है सीएसवी फॉर्मेट में, नहीं तो नोटपैड की फाइलें मिलता है, जैसे ये देखिए नोटपैड की फाइल। तो याद रखिएगा नोटपैड की फाइल हमेशा दो फॉर्मेट में होता है, पहला होता है टैब सेपरेटेड और दूसरा होता है कॉमा सेपरेटेड। अभी क्या होता है टैब सेपरेटेड कॉमा सेपरेटेड बताता हूं। जैसे मैंने यहां पे नेम लिखा, अगली कॉलम हमारी सिटी है, तो नेम और सिटी के बीच में या सिटी और अमाउंट के बीच में क्या है गैप, तो टैब का है ना, इसको बोला जाएगा टैब सेपरेटेड। तो ऐसे टैब सेपरेटेड फाइल को सेलेक्ट करके आप जब ओपन करेंगे तो कई बार क्या होगा कि वो आपका डेटा रीड कर लेगा, कई बार क्या होगा इस तरह का कॉलम वन कॉलम टू दे देगा, मतलब समझ नहीं पाएगा कि डेटा है क्या। तो ऊपर आपको दिखा होगा डेलिमिटर। अब जो लोग एक्सेल के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम को जानते हैं उस लोगों को यहाँ पता होगा कि यहीं पे जाके टैब पे क्लिक करना है और टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पे उसको लोड कर सकते हैं। देखिए अलग अलग ओके अब बात करते हैं सीएसवी। सीएसवी मतलब कि कॉमा सेपरेटेड फाइल, मतलब कि कई बार क्या होता है कि आपका एक से दूसरे के बीच में कॉमा का इस तरह का डिलिमिटेड होता है कॉमा, तो ऐसे केसेस को सीएसवी कॉमा सेपरेटेड फाइल हम कहते हैं, सीएसवी फाइल कहते हैं। तो आप टेक्स्ट के कैटेगरी में ही आप सीएसवी फाइल को कनेक्ट कीजिए और यहां से अपना सीएसवी फाइल जो कि इस तरह से होता है, ए का सिंबल होता है, इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड है, देन ओके। अब यहां पे देखिए कॉमा सेपरेटेड आ गया, देन लोड पे आपका डेटा लोड पे। उसके बाद तीसरा जो आता है हमारा एक्सएमएल फाइल। कई बार एक्सएमएल फाइल, अब बोलेंगे से एक्सएमएल फाइल कौन यूज करता है, देखिए जिसका वेबसाइट वगैरह या वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड वर्क होता है, वेबसाइट के थ्रू होता है। आपको याद होगा कि जब हम लोग कुछ दिन पहले इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते थे तो हमें एक्सएमएल फाइल बनाने लोड करना पड़ा,
तो कई सारे जो वेब एप्लीकेशंस है वो अपने अंदर का डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट में रखते हैं। कई बार आपको टैली से भी डेटा एक्सएमएल के फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ होगा, तो एक्सएमएल के फॉर्मेट में डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट कीजिए और इसको ओपन कीजिए, तो जो एक्सएमएल की जो कोडिंग टाइप का दिखेगा वो इस तरह के टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, बस उसको सेलेक्ट करके लोड कर लें। अब यहां पे आती है जेसन फाइल, तो एक्सएमएल भी है और एक नया जेसन जावास्क्रिप्ट की फाइल भी आई है। तो जेसन फाइल भी सेम एक्सएमएल की तरह कोड बेस होती है, तो उसको भी आप इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते। देखिए जेसन फाइल जब भी लिंक करेंगे वो डायरेक्ट कहाँ मूव हो जाता है, मूव हो जाता है आपका इसमें पावर क्यूरी में। अब यहां से आप अब क्लोज एंड अप्लाई दिख रहा होगा, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, आपको वापस आपका पावर बीआई में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं अगले पे। अब यहां पे हम आते हैं फाइल के अंदर, फाइल में सिलेक्ट करते हैं फोल्डर। अब फोल्डर क्या है, देखिए मेरे पास क्या है कि एक फोल्डर है जिसमें कई सारे फाइल्स हैं। अब फाइल क्या डेटा का टाइप सेम है, मतलब कि डेटा हेडिंग सेम है लेकिन डेटा अलग अलग है। मुझे इनका डेटा एक साथ कुलेट करना है, इनका डेटा एक साथ कुलेट करना है और फिर डेटा को क्या करना है, लोड करना। तो पावर बीआई के अंदर आप डायरेक्ट फोल्डर से भी डेटा लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हमने किया ओपन और ये देखिए डेटा का लिस्ट है। अब यहीं पे मैं लोड कर दूंगा तो जो डेटा लिस्ट दिख रहा है ना यही शो होगा, लिस्ट ऑफ फाइल। लेकिन यहाँ पे कंबाइन एंड लोड पे क्लिक कीजिए, क्या कीजिए, कंबाइन एंड लोड पे। कंबाइन लोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए डेटा का सिलेक्ट कर लिया, ऊपर यहाँ पे आते हैं कोई एक फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसका मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस सीट वन का जो हेडिंग दिख रहा है इस हेडिंग के अकॉर्डिंग जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा लोड हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लोड होके डेटा टू सारे फाइल आ गए। अब कल के डेट में अगर कोई फाइल यहाँ इंक्रीज होती है, जैसे मैंने यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और एक 16 नंबर फाइल मैंने यहाँ पे ऐड कर, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जस्ट रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही देखेंगे कि वो 16 नंबर फाइल यहाँ ऐड हो गई। देखिए ओके, तो अब इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डेटा बेसिस है, कोई सेल्स मान लीजिए सेल्स रिपोर्ट ही मान कि आपको हर दिन कल की सेल्स रिपोर्ट आपको मिलती है, ठीक है, और आपको एक एमटीडी रिपोर्ट या वाईटीडी या आपका डब्ल्यूटीडी रिपोर्ट होती है वो बनानी है। तो आपके पास दो केसेस हैं, एक है कि आप एक्सेल फाइल एक बना ले जहां पे डेटा एक के नीचे पेस्ट करते रहे डेटाबेस में, या फिर एक फोल्डर में आप सारे डेटा को रखते चले जाएं, जैसे उसके अंदर आप डेटा पुट करेंगे रिफ्रेश करेंगे ये आपका पावर बीआई या एक्सेल पे भी सेम चलता है, आपका अपना डेटा अपडेट कर, ठीक है। और जैसे डेटा अपडेट होगा तो आपकी रिपोर्ट डैशबोर्ड भी अपने आप को अपडेट कर ले, कोई दिक्कत इसमें। चलिए
अब कई बार क्या होता है कि मेरा रिपोर्ट किसी को कोई भी रिपोर्ट भेजता है ना, कोई बार कोई डेटा या रिपोर्ट ऐसे मुझे पीडीएफ में मिल जाता है, तो हम पीडीएफ के डेटा को भी यहाँ इंपोर्ट कर सकते। बट पीडीएफ के डेटा इंपोर्ट करने में दो चीजें आप ध्यान रखिए। पहला, डेटा स्कैन नहीं होना चाहिए। जैसे होता है कई बार प्रिंट आउट निकाला और इसकी फोटो खींची या स्कैन किया उसको पीडीएफ बना दिया, वो नहीं ले। दूसरा, जो आप डेटा ले रहे हैं, जो भी डेटा ले रहे हैं, वो डेटा में जो टेबल होगा ना, जो टेबल दिख रहा है, इस टेबल को ले। अब इसके अंदर बहुत सारे अगर कोई मैटर मैटर लिखा है, टेक्स्ट वगैरह लिखा है, इमेज पिक्चर वगैरह लगा है, तो नहीं ले, सिर्फ टेबल को रीड करें। अब एक पीडीएफ में मान लीजिए कि कई सारे पेजेस हैं, कई सारे पेजेस हैं, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा हर पेजेस का जो हेडिंग है ना वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हेडिंग नहीं होगा, जैसे कि इसमें देखिए इसमें बहुत सारे पेजेस, 125 पेजेस है, लेकिन हेडिंग पहले पेज में, बाकी किसी में हेडिंग नहीं है, नहीं है ना। इससे क्या होगा कि 125 अलग अलग टेबल ही इंसर्ट कर, इससे कोई फायदा नहीं। हमें तो फायदा तब होगा जब सारे के सारे एक साथ एक कंबाइन करें, ठीक है। तो ऐसे पीडीएफ के डेटा, अब जैसे ये दो पेजेस पे है, दोनों पे हेडिंग है, जब इसको हम लोड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे देखिए पेज 1 पेज 2, ये आपको अलग अलग दिख गया, पेज 1 पेज 2, और एक साथ में यहाँ पे पेज 1 टू 2, मतलब कि यहाँ पे कंबाइन होके भी आ गया, अलग अलग भी दे दिया और दोनों को कंबाइन करके भी दे दिया, मैं कुलेट करके भी आपको दे दिया। अब इसको आसानी से लोड कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और आती है नेक्स्ट, कि अब हमने डेटा फाइल से लगा निकालना सीख लिया। हमने अभी तक क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि आप किसी एक्सेल फाइल से या टेक्स्ट या सीएसवी फाइल से, एक्सएमएल फाइल से, जेसन फाइल से, या कोई फोल्डर से या पीडीएफ से डेटा कैसे इंपोर्ट करें। अब शेयर पॉइंट फोल्डर है तो वहां से भी ले सकते हैं, बट मेरे पास शेयर पॉइंट है नहीं इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, वरना सिंपल है, क्लिक करके लिंक डाली और इंपोर्ट क्लिक कीजिए, यहाँ पे फोल्डर की वायर डालिए, बाद बाकी काम वही करेगा। अब बात आती है सर्वर डेटाबेस। अब आप डेटाबेस इस्तेमाल करते हैं तो डेटाबेस से भी डेटा को इंपोर्ट इजीली कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए सर्वर नहीं, तो ये हमारा एसक्यूएल सर्वर है, और मैं यहां पे पावर बीआई में आता हूं। पावर बीआई में आने के बाद यहां सिक्वल सर्वर पे क्लिक किया और यहां पे मुझे चाहिए सिक्वल सर्वर का नेम। फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं ओके करूंगा तो सिक्वल सर्वर कनेक्ट कर लिया। अब इसमें आईडी पासवर्ड नहीं मांगा, आईडी पासवर्ड ना मानने के पीछे रीजन ये है क्योंकि मेरा लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट विंडो 3 के समय चलता है, तो आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, पर आपकी कंपनी में आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास कई सारे डेटाबेसेस हैं, मुझे जिस डेटाबेस के अंदर जो सा टेबल है उस टेबल का डेटा लेना है, तो उसको लिंक कीजिए और यहाँ पे लोड कर आ जाए। बट यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि जब हम एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं तभी यूज करते हैं तो लार्ज डेटा होता है, लेकिन मुझे लार्ज डेटा, सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे कुछ सिलेक्टेड डेटा चाहिए या कुछ कंडीशन बेस्ड डेटा चाहिए, मतलब कि मैं डेटा इंपोर्ट करना चाहता हूं अपने इसके अकॉर्डिंग, क्यूरी के अकॉर्डिंग। तो मोर पे क्लिक कीजिए, डेटाबेसेस में जाइए, सिक्वल सर्वर को सिलेक्ट करके कनेक्ट कीजिए और यहीं पे आप अपना क्यूरी लिख सकते हैं। किस कौन सा डेटाबेस है, तो
तो 8 PM का डेटाबेस है। अब यहीं पे मैं लिख दिया कि सेलेक्ट स्टार या फिल नेम फ्रॉम DTA। अब यहीं पे आप कंडीशन वगैरह भी लगा सकते हो, कैसे दिखाता हूं आप। जैसे DTA है ये कॉलम्स है, तो यहां पे अब मान लीजिए इसमें सिटी है, मैं चाहता हूं सिर्फ मुझे पुणे का डेटा चाहिए, सिर्फ पुणे का, तो यहां पे हम वेयर का मारा, वेयर सिटी इक्वल टू पुणे, देन ओके कीजिए। देखिए यहां पे सिर्फ पुणे का डेटा है, तो आप एसक्यूएल क्वेरी को भी यहां पे टाइप कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको एसक्यूएल सीखना होगा, एसक्यूएल की क्वेरी सीखनी पड़ेगी, तो क्वेरी यहां पे डायरेक्ट डाल सकते हैं जिसके हिसाब से डेटा आपका इंपोर्ट होगा और आप उसके आगे जो काम करना चाहे कर सकते, ठीक है। उसके बाद यहां डेटाबेसेस में आप एमएस एक्सेस से डेटा को ले सकते हैं, एमएस एक्सेस का कोई भी डेटा सेलेक्ट कीजिए, एंड ओपन, अपना डेटाबेस को सेलेक्ट कीजिए जो डेटाबेस आपका है और यहां पे लोड कर दीजिए, ये आपका लोड हो जाएगा। सेल्स राइट आ गया। इसके अलावा और भी डेटाबेसेस हैं। अब इसमें क्या है कि कई बार आपको डेटा लोड करना पड़ेगा, तो उस समय आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कनेक्टर। जी हाँ, मतलब कि बहुत सारे डेटाबेस ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट लोड नहीं होते, डायरेक्ट लोड होने में क्या लेते हैं, कनेक्टिंग कनेक्टर का यूज होता है, जैसे ओरिकल वगैरह हो गया, सैप हो गया, इनके कनेक्टर चाहिए हो। अब लोग सर कनेक्टर कहाँ से आए, या गूगल बिग क्यूरी हुआ, तो जब डेटाबेस सेलेक्ट करें अमेजोन वॉइस अमेजोन कनेक्ट करेंगे ना, ये तो डायरेक्ट हो गया, बट इसमें कनेक्टर वगैरह चाहिए होता है। सैप की बात करें या ऑरिकल की बात करें तो आपको यहां पे क्या चाहिए होगा, कनेक्टर चाहिए। यहां पे तो यहां पे लिखिए सैप है ना, कनेक्टर फॉर पावर भी है, सैप की साइट पे जाइए और इसका क्लाइंट का जो ए है ए इस लिंक पे क्लिक कीजिए और इसको डाउनलोड, तो आपको कनेक्टर मिल जाएगा, हर एक चीज का कनेक्टर मिल जाएगा। जैसे मुझे मान लीजिए इसका ओरिकल पावर बी आई ओरिकल डेटाबेस कनेक्टर पावर बी आई सर्च करता हूं, ये आपका यहां से इसका कनेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा, यहां इस पे तो इसका कनेक्टर अगर डाउनलोड करेंगे करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि सारे का नहीं, जो सपोर्ट अगर डायरेक्ट नहीं कर रहा है उसके लिए आपको उसका कनेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका कनेक्टर पब्लिकली अवेलेबल है आपको पावर बी आई के से, मैं इसकी पावर मैं तो सबके साइट पे ये सारी चीजों को आप यूज कर सकते, ठीक है। उधर से माइक्रो फैब्रिक वगैरह है, कुछ ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह है जहां से आप ला सकते हैं, ये चीजें भी आप ला सकते हैं। उसके अलावा अदर सर्विस जो अनकैटेगराइज है उसमें देखिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे वेब किसी वेबसाइट से डेटा को ला सकते हैं आप वेबसाइट से, तो मान लीजिए कि चलिए मैंने एक गूगल पे सर्च किया कि वर्ल्ड
मोबाइल कंज्यूमर बाय कंट्री, और मुझे विकिपीडिया का ये साइट मिला। विकिपीडिया के साइट पे आप देख पा रहे हैं कि यहां पे आपका एक से लेके 76 तक मेरा ये टेबल है। अब मुझे इसी टेबल, जो टेबल दिख रहा है ना, मुझे इसी टेबल का क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो मैं यहां पे वेब पे क्लिक किया एंड कनेक्ट पे क्लिक किया और इस वेबसाइट का आईडी डाल दिया एंड ऑल। ध्यान रखिएगा जो वेब पेज के अंदर जितने भी टेबल्स है ना, उस टेबल्स का रीड करके आपको लिस्ट ऑफ टेबल दे देगा। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए टेबल वन दे दिया, टेबल टू, टेबल थ्री, ये लाइव भी है। वेबसाइट में किसी तरह का चेंज होगा तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए टेबल वन जो कि मेरा डेटा है, इसको मैं अगर लोड करूं तो डेटा आ जाए। अब यहां पे देखिए टेबल में डेटा आ गया सारे सर। अब यहां पे एक चीज और आता है कि कई बार मुझे डेटा ओ डेटा फीड में मिलता है, ओ डेटा फीड में मिलता है कई बार। अब वो डेटा फीड क्या होता है कि कई बार हमें डेटा किसी वेबसाइट के डेटा फीड में होता है और उसके लिंक से हम डेटा को ले सकते हैं। जैसे वो डेटा फीड सैंपल पे क्लिक किया तो कई बार आपको मिलेगा, ठीक है ना, वो डेटा फीड आपको कई बार क्या मिलेगा, इस तरह के वेबसाइट लिंक में मिलेगा। अगर मान लीजिए कि इसी लिंक को हम मान लीजिए ये डेटा हमारा ये लिंक है, राइट, इस लिंक को लेते हैं और यहां पे पेस्ट मारते हैं। नहीं कोड में प्रॉब्लम क्यूरी है, सॉरी क्यूरी है, दिख रहा है डेटा आपको, इस तरह के वेब फॉर्म में डेटा होता है। तो कई बार हमें इस तरह का डेटा चाहिए होते हैं, इसको कॉपी किया, इस तरह से वेब फॉर्म में इसकी फीड में डेटा हो, ठीक है। तो ये डेटा मुझे एक्सेल में चाहिए, वो भी टेबल फॉर्मेट, तो एक्सेल में या पावर बीआई में टेबल फॉर्मेट, इसको क्लिक किया देन ओके। अब देखिए एक सिंपल सा लिंक से जैसा डेटा दिख रहा था, उस डेटा को इस तरह के एक टेबल फॉर्मेट में क्रिएट कर दिया और उसको आप लोड कर सकते। तो जो कई बार लाइव डेटा फीड जो होता है किसी सर्वर से, किसी वेबसाइट से या वेब सर्वर से डेटा, इस तरह के डेटा फीड में आते हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। ऐसे अगर मान लीजिए गूगल सीट में डेटा आपकी है तो गूगल सीट से भी डेटा को लाया जा सकता है। इसी में अदर में जाइएगा तो आपको दिखेगा गूगल सीट, गूगल सीट पे क्लिक किया एंड कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने गूगल सीट का आईडी चाहिए होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे ड्राइव खोलता हूँ, गूगल ड्राइव, और एक डेटा लेता हूँ, जैसे ये हमारा पी डेटा है, इसी को लेता हूँ, इसी डेटा मुझे चाहिए। तो शेयर वाले पार्ट में गए और यहाँ से हम कॉपी लिंक कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देख लीजिएगा, अगर इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पे हमने सिलेक्ट करके ओके किया,
श्वेता जी गुड मॉर्निंग, श्वेता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आप म्यूट है, अनम्यूट करके जो भी बात करना चाहे कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज आ रही है। अब इस डेटा पे क्लिक किए और ये देखिए आ गया डेटा। तो हम डेटा गूगल शीट से भी ले सकते हैं। तो हमने अभी अभी जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक में हमने बातचीत की कि किस तरीके से हम डेटा को लेके आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट? श्वेता जी आपने लेट ज्वाइन किया है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको कवर हो जाएगा, जो डाउट होगा हम फिर क्लियर कर देंगे। Recording in progress। तो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं कि कई सारे डेटाबेसेस आपके सामने हैं, इससे मैं डेटा को कैसे लोड कर सकता हूं। अब एक प्रॉब्लम है कि जब भी डेटा लोड होके आता है तो ऐसा नहीं कि डेटा परफेक्ट वे में आता है, डेटा के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर आती है। किसी में कॉलम कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, किसी में कुछ और प्रॉब्लम होती है। मतलब जो डेटा आया है ना, जो डेटा आप देख पा रहे हैं, जो डेटा मेरे पास आया है, वो डेटा जो चाहिए उस तरह से फॉर्मेट में नहीं आया। कई बार कुछ कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए होते हैं, कई बार कुछ कॉलम्स मुझे जैसे यही पे देखिए, इसमें कॉलम का हेडिंग ही नहीं लिया, इसमें कॉलम 1 2 3 4 5 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब डेटा इंपोर्ट करते समय अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए? ओके, कैसे सॉल्व किया जाए तो उसको हम हालांकि यहां भी सॉल्व कर सकते। जैसे यहाँ पे C1 देखिए, डेटा आया, डेटा आने के बाद ए इसकी देखिए परसेंटेज मिलना चाहिए था बट डेसिमल मिला। तो कुछ जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो तो हम यही पावर क्वेरी के टेबल में ही, जब कॉलम टूल्स पे ऊपर जाएंगे तो इसको हम, इसे परसेंटेज में है तो परसेंटेज में कर दिया, या ये देखिए डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा है तो इसको ऑटो की जगह पे 0 कर दिया। तो ऐसे चेंजिंग वगैरह हम कर सकते हैं। कई बार कुछ चीजें नहीं चाहिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जब डेट डला है तो मुझे मंथ और ईयर का कॉलम नहीं चाहिए, तो ऐसे कॉलम को राइट क्लिक करके हम डिलीट कर देते हैं यहां से। डिलीट कर देते तो कई केसेस में यहां हो जाता है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम होती है कुछ और जिसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको, यहाँ एक डेटा भी दिखा था पहले मैंने, जैसे देखिए डेटा 3 जो है इसमें कॉलम रीड नहीं किया, तो ऐसे केसेस में मुझे जाना होगा कहाँ पे, पावर क्यूरी के। तो मैं होम पे आऊंगा और जहां रिफ्रेश होता है उसी के बगल में आएगा ट्रांसफॉर्म, मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते कहाँ पहुंचूंगा, पावर क्यूरी में, और यहां जितने भी डेटा मैंने लोड किए हैं पावर बीआई में सारे के सारे दिख रहे हैं। तो यहां पे हम डेटा 3 पे आते हैं, डेटा 2 था कि डेटा 3 था, आया डेटा 3। अब यहां देखिए या नहीं, तो यहां ऊपर दिखेगा यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर, क्लिक कर दीजिए। कई बार हीडर रीड नहीं किया तो आपका हीडर रीड कर लेगा, तो इस तरह से हीडर को रीड कर सकते हैं। कई बार डेटा को अपने हिसाब से क्लीन करना, देखिए हीडर आ गया ना ऊपर, अब मैं इसको अगर क्लोज एंड अप्लाई करूं तो आप देखेंगे कि आपका कॉलम 1 2 3 हट जाएगा और इसके जगह पे नेम सिटी अमाउंट वगैरह ले लेगा। ठीक है, अब कई बार एक चीज और आती है कि मुझे डेटा को थोड़ी सी क्लीन करने की जरूरत होती है। अब जैसे क्लीन करने की जरूरत होती है, हाँ जैसे कि यहाँ पे टेबल 1 पे देखिए, ये तो ये मुझे वर्ल्ड वाला जो ये दिख रहा है ना, ये नहीं चाहिए क्योंकि इसने टोटल ऐड कर दिया, मुझे तो कंट्री वाइज चाहिए ना, वर्ल्ड का टोटल इसने ले लिया। अब मुझे इस रो को यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि राइट क्लिक करके हम यहाँ पे रो को डिलीट वगैरह कर सकते हैं,
अगर मैं इस पे डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ यस करेंगे तो इसने कॉलम डिलीट कर दिया, रो तो डिलीट किया ही नहीं क्या? तो यहाँ कॉलम डिलीट हो सकता है, रो डिलीट नहीं हो सकता है। पावर बीआई के अंदर अंदर आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट नहीं कर सकते, किसी तरह का डेटा चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि ये जो स्लैश वगैरह करके दे रखा है 10 17, तो ये सब भी हटाने हैं। तो इस केस में हम चले जाएंगे कहाँ पे, ट्रांसफॉर्म, जहां हम डेटा के अंदर मैनिपुलेट कर सकते। जब ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते तो क्या खुलता है, तो खुलता है पावर क्यूरी। तो पावर क्यूरी के अंदर हम अपने हिसाब से डेटा के अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके, अच्छा राइट क्लिक करनी होती होता, इसको सिलेक्ट करके ऊपर आपका ट्रांसफॉर्म के अंदर आएगा, नहीं कीप रो, हाँ यहाँ पे रिमूव रो, यहाँ पे हमने कर दिया रिमूव टॉप रो या रिमूव बटन या रिमूव अल्टरनेटिव रिमूव डुप्लीकेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो रिमूव मैंने टॉप रो में गए और यहाँ पे मैंने बोला कि रो नंबर 1 को डिलीट कर, हट गया। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं चार जो है यहाँ पे अलग करे, तो हमने यहाँ स्प्लिट कॉलम दिख रहा होगा बाय डिलीमीटर, तो बाय डिलीमीटर में मैंने यहां पे क्या कर दिया, एक मिनट, यहाँ पे दो चीज है, स्लैश भी है और ये भी है, ये सिंगल कोट भी है, बाय पोजीशंस यहां पे हम पोजिशन 0.4 करके ओके करते हैं। 0.4 मतलब कि चार कॉलम यहां अलग हो गया, ये बाकी इधर चलेगा। अब इसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, जरूरत नहीं है मुझे क्या। और यहां पे आप ईयर डाल दीजिए, ठीक है। इस तरह की डेटा कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। हालांकि पावर क्यूरी को और ज्यादा डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जब पावर क्वेरी में पढ़ा हो। फिलहाल मैंने बताया कि थोड़ी बहुत चेंजिंग आप कैसे कर सकते हैं, वो जो चेंजिंग हम डायरेक्ट पावर बीआई के टेबल में ही कर सकते हैं, और कुछ चेंजिंग जो पावर बीआई के टेबल में नहीं होते हैं, जैसे रो को डिलीट करना या फिर कॉलम कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा लिया था ना, मंथ वाइज डेटा था हमारा, जैसे यहाँ पे आपका डेटा 2 है जो कि मंथ वाइज है। अब मुझे इसमें सोर्स कॉलम को डिलीट नहीं करना, लेकिन फिलहाल क्योंकि डिलीट मैं कर दूंगा लेकिन कैलकुलेटर मुझे चाहिए तो दिक्कत हो जाएगी, तो मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे यहां से हटाना है, यहाँ यहाँ दिखना नहीं चाहिए। दूसरा, मुझे इस तरह से मंथली रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे यहीं पे ईयर का टोटल चाहिए, और मंथली चाहिए नहीं। हालांकि यहाँ फॉर्मल आएगा टोटल किया जा सकता है, बट फिर मुझे इसको हटाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम चले जाएंगे कहां पे, ट्रांसफॉर्म, और यहां पे अपनी कैलकुलेशन या जो भी करना है कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे डेटा 2, अब जैसे कि ये है, यहां पे आता है चूज कॉलम, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कैलकुलेशन करना है, तो यहीं पे आता है एड कॉलम, एड कॉलम में कस्टम कॉलम पे जाते, और यहां पे मान लीजिए मुझे ईयर टोटल के नाम से कॉलम बनाना है, और सारे मंथ यहां पे हम प्लस कर देते हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देन ओके कर, तो एक ईयर टोटल नाम का आ गया। अब यहां हम जाएंगे होम पे चूज कॉलम,
चूज कॉलर में अब मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे सोर्स नेम नहीं चाहिए, और जैन फेब मार्च मई अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर वगैरह नहीं चाहिए, देन ओके कर। आ गया डेटा हमारा, अब लोड एंड क्लोज कर। तो कॉलम कैलकुलेटेड हो गया, यहाँ पे टोटल आ गया। अगर कोई यहाँ पे डेटा किसी मंथ फेब में ऐड होगा तो यहाँ पे टोटल भी हमारा इंक्रीज हो जाए, और यहाँ पे मेरा डेटा भी साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हमें डेटा को अपने विजुलाइजेशन के अकॉर्डिंग तैयार करना होता है। जैसे एग्जांपल में मेरे पास डेटा यहाँ पे, यहाँ मैं D3 डेटा लेता हूँ। हाँ, D3 डेटा आप देख लीजिए, यहाँ पे नेम सिटी प्रोडक्ट और ये आपका आ रहा है पूरा डेटा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ अपने प्रोडक्ट के हिसाब से टोटल क्वांटिटी अपने विजुलाइजेशन में शो कर। तो मैं यहाँ से कार्ड लेता हूँ, ये 1 2 3 इसको कार्ड करते हैं, कोई टोटल वगैरह दिखाने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कार्ड लिया, अब इसके ऊपर मान लीजिए कि हम अपने DT2 है ना हमारा, हाँ DT2 में आते हैं। DT3 था, DT3, हाँ DT3 के अंदर में मान लीजिए मैंने क्वांटिटी को रख दिया, टोटल क्वांटिटी आया, लेकिन मुझे क्वांटिटी चाहिए प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि टेबल के अंदर तो हम अपनी प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी बना ही सकते हैं। एक मिनट, लगा डेटा कंफ्यूजन हो गया, डेटा 3 था वो, इस पे रखते। तो यहां पे हमने टेबल लिया और टेबल में हमने अपना प्रोडक्ट और अपनी क्वांटिटी रख, फिर क्वांटिटी बाय टोटल आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा छोटा तरीके दिख रहा है, मुझे थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना है बड़े बड़े। तो ऐसे केसेस में हम कार्ड को लेते हैं। अब कार्ड के अंदर अगर मैं नॉर्मल ट्रेडिशन वे लेता हूं कि यहाँ पे लिया और फिर मैंने अपना, अब यहाँ पे क्या हुआ टोटल आ गया, मुझे क्या दिखाना है कि मुझे इसमें दिखाना है कि DVD कितना सेल हुआ है। तो फिर मैं प्रोडक्ट को यहाँ फिल्टर वाले सेक्शन में रखूंगा और फिर जाके DVD को सिलेक्ट करूंगा, तब DVD आएगा। अब ये DVD का है पता कैसे चलेगा, तो फिर इसकी फॉर्मेटिंग वाले पार्ट में जाऊंगा, इसका पहले तो नीचे वाला जो लेबल है उस लेबल को ऑफ करूंगा, फिर जनरल में जाके टाइटल में ऑन करके फिर इसके अंदर अपना DVD का टाइटल लगा, तब जाके DVD सेल्स यहाँ पे दिखेगा। अब यही पे प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, यही पे प्रॉब्लम हो गई कि सर मेरे पास ऐसे 10 या 12 है, तो मुझे 12 का इस तरह से एक एक मैनुअल करना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा, और कल के डेट में बढ़ेगा तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, फिर दोबारा टाइम लगाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा चाहिए कि मेरे पास फील्ड में, क्योंकि ये जो हमारा टेप डेटा है इसमें प्रोडक्ट कहाँ है, प्रोडक्ट कॉलन में रो में है ना, इस तरह से ऐसे यहाँ पे हर प्रोडक्ट का अलग अलग कॉलन बन जाए, उसके टोटल हो जाए, ताकि हम उस फील्ड को ड्रॉप कर सके। तो ऐसे केसेस में भी हमारा पावर क्यूरी मदद करता है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम जाते हैं, अब मैं मेरे पास ओरिजिनल डेटा को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ, तो जैसे Data3 को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ, तो इसी की हम मैनेज पे, होम में ही मैनेज है, इस पे मैं कर देता हूँ रेफरेंस, मतलब इसकी एक लिंक बना लेता हूँ, यहाँ पे PRG के नाम से नाम दे देता हूँ ताकि याद रहेगा। अब इसमें मुझे चूज कॉलम करना है और उसमें वही कॉलम डालना है जिसपे जिसकी मुझे चाहिए। तो नेम नहीं चाहिए, सिटी नहीं चाहिए, MRP वगैरह चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी चाहिए। अब प्रोडक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और ट्रांसफॉर्म के अंदर आता है पिवट कॉलर। पिवट कॉलर में मैंने क्वांटिटी का यहाँ कैलकुलेशन सम बाय डिफॉल्ट आता है, अपना आप चूज भी कर सकते हो, देन ओके किया। जैसे इसको मैंने ओके किया, आप देखेंगे कि एक कॉलम वाइज टोटल ऑटोमेटिक यहाँ बढ़ गया। अब मैं इसको लोड एंड क्लोज करूंगा,
और यहाँ पे हम देखिए कार्ड के अंदर अब यहाँ पे हम जस्ट रखते चले जाएंगे। अब मुझे ना फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी और ना ही जरूरत पड़ेगी टाइटलिंग करने की, क्योंकि यहाँ देखिए आ गया सीआरटी का टोटल। ऐसे कार्ड लिया यहाँ से, तो हम अपने विजुलाइजेशन के अकॉर्डिंग भी डेटा पावर क्यूरी से तैयार करते हैं। ठीक है, समझ गया। पार्ट सर ए ना, 1 2 3 नहीं दिख रहा आप, दिखा कि नहीं? इस पे क्लिक करते आ जाएगा यहाँ पे, आ गया। इसको मूव कीजिए और अपना जो रखना रखिए। हालांकि इसको कल से नेक्स्ट क्लासेस से यही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, विजुलाइजेशन। तो अभी हमने क्या किए कि अपना डेटा रेडी कर दिया किसके थ्रू, डेटा कनेक्टिविटी और पावर क्वेरी के इस्तेमाल करके हमने डेटा को कनेक्ट कर लिया और डेटा आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम रिपोर्ट कैसे बनाए। ठीक है, तो ये चीजें हम अगली क्लास में सिखाएंगे, वरना खिचड़ी हो जाएगी। ठीक है।